और चारों सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे बनी हुई है। खंडवा में बीजेपी 7,417 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। मृत्युपुर में बीजेपी के शिशुपाल सिंह 459 वोट से आगे चल रहे हैं। जोबट में सुरोज रावत 6,000 वोटों से आगे चल रही हैं। रैगांव में भी बीजेपी की प्रतिमा बागड़ी 14 वोट से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो लगातार ये नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान है ये अभी, लेकिन सभी रुझानों में बीजेपी की बढ़त साफ तौर से देखी जा सकती है। जोबट में सुलोचना रावत 6,000 वोटों से आगे और रैगांव की अगर बात करें तो 220 वोट से प्रतिमा बागड़ी भी आगे चल रही हैं। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बीजेपी रुझानों में बढ़त बनाए हुए है और अभी तक अगर हम बात करें तो कई राउंड्स वोटिंग हो चुकी है। तकरीबन 4 से 5 राउंड की वोटिंग हो गई, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं। रुझान है ये शुरुआती, लेकिन इन सभी रुझानों में बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। तो चारों सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। खंडवा में बीजेपी 7,417 वोटों से आगे। पृथ्वीपुर में की अगर बात की जाए तो शिशुपाल यादव 459 वोटों से आगे। जोबट में सुलोचना रावत 6,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं रैगांव की बात की जाए तो यहाँ पर 220 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी। चारों सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए बीजेपी रुझान सामने आ चुके हैं और तस्वीरें भी साफ हो चुकी हैं लगभग। और इस वक्त हमारे साथ विशेष पैनल भी जुड़ा हुआ है। जयंत वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर दिव्या गुप्ता प्रवक्ता हैं बीजेपी, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रिजेश, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से ये रुझान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ आपका रिएक्शन, क्या अभी भी आपको उम्मीदें लग रही हैं? हालांकि रुझान ही है और कुछ राउंड्स तो हो चुके हैं, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की प्रतिक्रिया आप देंगे? देखिए, ऐसा है कि अलग अलग टीवी चैनलों में अलग अलग रिपोर्टें सामने आ रही हैं। हमारे रैगांव विधानसभा क्षेत्र में कहीं बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, कहीं कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, इसी तरह प्रतापपुर सीट में है। हम समझते हैं कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, 1.5 घंटे बाद ही इस पर कोई एक अंतिम निर्णय की स्थिति पे पहुंचा जा सकता है या टिप्पणी की बनती है। लेकिन इसके पूर्व मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ, किसानों के मुद्दों को लेकर के जो वोटिंग किया है, और उसका परिणाम जब आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। अभी सिर्फ ये रुझान है, इसलिए रुझान से जो होता है ये रिजल्ट का आंकलन नहीं किया जा सकता। सिर्फ रुझान है, रुझान अभी जब तक आगे की मतगणना न हो जाए, अभी सिर्फ बीजेपी बाहुल क्षेत्रों की पेटियां खुली हैं, खुलने दीजिए कांग्रेस बाहुल की सीटें भी, वहां लीड आप तो देखी हैं, कई इलेक्शन पे कई प्रत्याशी काफी मार्जिन से आगे पीछे रहते हैं, बाद में जब रिजल्ट आता है तो कहीं बीजेपी चुनाव जीत जाती है, कहीं कांग्रेस, कहीं बीएसपी, कहीं सपा। तो इस पर बहुत नहीं पड़ना चाहिए, 1-2 घंटे बाद ही इस पर जो है एक अंतिम प्रतिक्रिया दी जाए। जी चलिए, डॉक्टर ब्रिजेश आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जब आप जनता के बीच पहुंचे तो किन मुद्दों के लेकर पहुंचे और क्या कुछ जनता की तरफ से बातें सामने आ रही थी जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स रहे हैं, क्या वहां आपको कुछ निराशा दिखी लोगों में, क्या कुछ रहा? देखिए, जब हमारी पार्टी की मुखिया माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस जनता के बीच पहुंची, चाहे रैगांव में आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया रहे हों, चाहे खंडवा में आदरणीय अरुण यादव साहब रहे हों, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया था। हम समझते हैं जनता के बीच जब हम जा रहे थे, मैं खुद कई जगहों पे गया था, चारों विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, हमने देखा लोगों ने कहा, हमसे खुद कहा कि साहब आपके समय आपकी पार्टी बहुत कम दिन तक शासन में रही, लेकिन आप लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया, इस बात को इनके खुद कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया, आपने बिजली का बिल हाफ किया, आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, और इन सब से इतर जो फार्मर्स थे, क्योंकि जिन जिन बेल्टों में चुनाव हो रहा था वहाँ आदिवासी और फार्मर्स अधिक मिले, तो लोगों ने मुझसे कहा साहब जब आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार ने गेहूं में, धान में, कपास में, अरहर में, सरसों में, सोयाबीन में, लहसुन में, प्याज में, टमाटर में, गन्ने में जो बोनस दिया था इनकी सरकार आते ही वो भी छीन लिया। महंगाई जो कहते थे कि महंगाई कांग्रेस की सरकार में डाइंग खा जा रही है, वो तो इनकी सरकार में इनकी मौसी ताई से ऊपर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के रेट दिन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बन रहेगा, हमारे साथ वीडी शर्मा भी जुड़ गए हैं। वीडी शर्मा जी, तो जिस तरह से चुनावी नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे तो अभी तक नहीं आए हैं लेकिन बीजेपी बढ़त बनाए हुए, उम्मीद है आपको कि ये नतीजों में तब्दील हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की इन उपचुनावों में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है और जिस प्रकार का इलेक्शन कैंपेन में हम लोग देख रहे थे कि
जनता का अपार जनसमर्थन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाएं जिनके आधार पर लोगों का जीवन बदल दिया, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर लगातार गरीब कल्याण के योजनाओं के साथ खड़े हैं, तो ये जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जनता का अपार जो समर्थन है, वो परिणाम आज मुझे दिखता है कि जो जनसमर्थन था वो वोट में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों को ऐतिहासिक बहुमत से जीते। जी विनीत शर्मा जी, लेकिन आप ये भी मानते हैं क्योंकि जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीटें थी वहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कुल मिलाकर अभी ये जिम्मेदारी आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आगामी समय में 2 साल बाद जब एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले लोगों के विश्वास को एक बार फिर से बढ़ाना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बहुत सारे चुनावी मुद्दे थे इस बार सर, महंगाई की बात अगर हम करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो लोगों में निराशा थी और ऐसे में भी अगर बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं तो विश्वास उनका है और आपको इस पर खरा उतरना होगा। देखिए मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं कि जोबट जो विधानसभा और प्रत्युपर विधानसभा, यहां पर कांग्रेस झूठ छल कपट गुंडेजिम की राजनीति जो करती थी, प्रत्युपर विधानसभा के अंदर जो दहशतगर्दी थी, हमने नारा दिया था कि भयमुक्त प्रत्युपर बनाना है और विकास की ओर प्रत्युपर को ले जाना है, इस पर जनता ने अपार समर्थन देने का जो ट्रेंड आ रहा है वो मुझे लग रहा है। जो बट विधानसभा के अंदर जनजातीय क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से गुमराह ये लोग कर रहे थे लोगों को और झूठ बोल करके छल कपट की राजनीति कर रहे थे, उसका जवाब जनता वहां पर दे रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर जो सरकार चल रही थी 15 महीने, जिसमें उनके मंत्री ने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया शराब माफिया दिग्विजय सिंह है, जिनके इशारे पर सरकार चली, तो ऐसे नेतृत्व को कोई जनता समर्थन कैसे देगी। तो इस दिशा में आज कांग्रेस की आपसी द्वंद्व है, आपसी लड़ाई है, बेटों के नेतृत्व के लिए कौन करे इसकी लड़ाई उनकी आपस में चल रही है, जमीन पर कांग्रेस बची नहीं है, अस्तित्व खो रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, इसलिए आज मैं जनता को इस बात के लिए, क्योंकि ट्रेंड जो बढ़ रहा है वो लगातार आगे बढ़ेगा और चारों सीटें हम जीतेंगे, जनता इस बात के लिए बधाई की पात्र है। जी वीडी जी, आप ये मानते हैं बूथ और यूथ दोनों का ये असर दिख रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से यूथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रत्युपर के अंदर हो, रहगांव के अंदर हो, खंडवा लोकसभा के अंदर, युवाओं ने और बूथ ने, यानी यूथ कनेक्टिविटी और बूथ कनेक्टिविटी जिस प्रकार से बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं ने जब तक मेहनत की है और युवा मैदान में उतर करके जोश के साथ जो मैदान में आया, उसका परिणाम है कि इन चारों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। जी और विष्णुदत्त जी, ये भी एक बड़ी बात रही कि जिस तरह से बीजेपी ने कहीं ना कहीं बहुत बैठकें की, क्या आप नव्स को समझ गए थे? क्योंकि हमने ये भी देखा कि स्ट्रैटेजी में भी तुरंत बदलाव किया गया था, उसी का असर। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, हम लोग नारा देते हैं, माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और बूथ पर फोकस करके अपने पन्ना प्रभारी से लेकर के बूथ समिति, पन्ना समिति, हमारी जो एक रचना है, इसको ताकत देना और उन मुद्दों पर जो गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के जीवन बदलने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने से लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने संबल योजना और हर गरीब को आवास प्लस भूमिहीनों को पट्टे, जिनको किसी प्रकार से जमीन नहीं है लेकिन कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा, ये सरकार ने जो निर्णय किया ये ऐतिहासिक कदम। और जनजाति क्षेत्र में पैसा एक्ट कानून से लेकर घर घर राशन, मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी के सामने उनके नेतृत्व में जो 18 डिक्लेरेशंस की थी, जिसके आधार पर बहन सुलोचना रावत भाजपा के अंदर आई, उसको जनजाति क्षेत्र में अपार जनसमर्थन जनजातीय क्षेत्र में हमारे भाइयों ने दिया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से कांग्रेस गुमराह कर रही थी, झूठ बोल रही थी, उसका जवाब जो पहले दिया था 28 विधानसभाओं में, फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, उनको इस चुनाव में जनता जवाब दे रही है। वीडी शर जी, जिस तरह से पृथ्वीपुर में तमाम तरह की शिकायतें थी लेकिन उसके बाद भी अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पर बढ़ोतरी मिल रही है, रुझानों में यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये
देखिए, इस बार पृथ्वीपुर के चुनाव में हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल विल पावर के साथ कॉन्फिडेंट होकर के खड़े थे कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि वो गुंडागर्दी पर ही चुनाव जीतते थे। मैं तो बताना चाहता हूं कि पृथ्वीपुर विधानसभा के अंदर जब कोई चुनाव जीत गया तो उसकी हत्या कर दी गई, कोई चुनाव लड़ रहा था उनके खिलाफ उसको किडनैप करके 3 दिन तक बंद करके रखा गया, कोई और खड़ा होता है तो उसको क्रश कर देंगे। ये जो अपराधीकरण था इसका जवाब जनता ने सवाल किया। आपसे चर्चा जारी रखेंगे, सीएम शिवराज जी कुछ कह रहे हैं। युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, मोहित जी के साथ आज पेड़ लगाया। ऐसे समय जब G20 देशों में सबसे बड़ी चिंता और चर्चा का विषय है तो पर्यावरण है, धरती बचाना है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ टारगेट फिक्स किए हैं। गर्व का विषय है कि भारत इस मुद्दे को लीड कर रहा है। वैसे समय मैं भी मध्य प्रदेश की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि पर्यावरण बचाने के बाकी उपायों पर भी काम करें हम, लेकिन सबसे प्रभावी माध्यम है पेड़ लगाएं। और इसलिए मैं रोज़ लगाते ही हूँ, लेकिन हर नागरिक भाई और बहन कम से कम खुशी के मौक़ों पर, बेटे के जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, या माताजी पिताजी या परिजनों के स्मृति में पेड़ ज़रूर लगाएं। एक और अपील मैं कर रहा हूँ कि बिजली कोयले से बनती है जिसके कारण पर्यावरण बहुत बिगड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा क्या जाता है, सरकार की बिजली है। मैं भाई और बहनों से ये अपील करता हूं कि आपकी बिजली है और फालतू बिजली जलती है तो आपका ही धन जलता है, टैक्स में जो आपने पैसा दिया वही जलता है। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए और फिजूल खर्ची रोकने के लिए बिजली भी बचाने का काम करें। हम नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे तब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। आज मोहित जी के साथ पेड़ लगाया है, मोहित जी कुछ कहेंगे। जी सर, मुख्यमंत्री जी रोजाना ही पौधा लगाते हैं, संकल्प लिया है, आज तकरीबन 257वां दिन है जब वो लगाता। ये जो नोबल काम और एक बार फिर से रुक करते हैं वीडी शर्मा जी का और उनसे हमारी बातचीत जारी है। वीडी शर्मा जी, तो जिस तरह से पृथ्वीपुर में लोगों ने भरोसा दिखाया है और कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए रुझानों में, ऐसे में अगर बीजेपी जीतती है तो किस तरह का विजन रहेगा विकास को लेकर यहाँ पर? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पृथ्वीपुर विधानसभा में जनता ने विकास पर विश्वास व्यक्त किया है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि पृथ्वीपुर विधानसभा को भयमुक्त बनाते हुए उस दिशा में विकास का जो एक माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उस विश्वास के जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व लगातार उस पर खरा उतरेगा। और मैं जनता को इस बात के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ कि जो ट्रेंड बढ़ रहा है और लगातार पृथ्वीपुर विधानसभा हम जो ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, जनता ने जो अपार समर्थन दिया है उनके उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जरूर खराब करेगा। जी वीडी शर्मा जी, यहाँ पर हमने एक चीज और देखी है, हालांकि पार्टी में काफी अनुशासन है लेकिन जिस तरह से बाहर से कांग्रेस के कैंडिडेट आए और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, आपको नहीं लगता कि आपके जो कार्यकर्ता है उनमें थोड़ी नाराजगी रही होगी? कैसे उन्हें मनाएंगे ये भी एक चुनौती रहेगी अभी। जी जी बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी टीम भावना के साथ चुनाव लड़ी है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बहुमत इसलिए प्राप्त किया है कि सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के संकल्प लिया था कि इन उपचुनावों में हम ये जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों का जीवन बदलने का काम हमारी सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, इस आधार पर जनता जो अपार जन समर्थन दे रही है, इसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीज़ें कौन आया नहीं आया, बहन सुलोचना रावत आई या जो भी लोग आए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास के साथ गरीब कल्याण की योजनाओं में उनको लगता है गरीबों के लिए अगर कोई काम कर सकते हैं तो हम भाजपा के साथ रह करके कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है और ऐसे सब लोगों को साथ में लेकर के परिवार भाव से आज हम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि इस बहन सुलोचना रावत भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज स्टेट से इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे साथ वीडी शर्मा जी थे और अभी रुक करते हैं। सर कमलनाथ और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी दुरुपयोग किया गया मशीनरी का और इस तरह की, ये पराजय की पूर्व भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं। कितनी सीट जीत रहे सर? तो चारों सीटों पर रुझान मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। उम्मीद की जा रही है कि ये रुझान नतीजों में बदल सकते हैं। हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं और जयंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी आपका हम रुक करेंगे, तो जिस तरह से ये रुझान बढ़ते जा रहे हैं और बढ़त भी कहीं ना कहीं बीजेपी की मिल रही है, तो क्या माना जाए, क्या ये नतीजों में तब्दील हो सकती है और शायद बीजेपी को अब पूरी तरह से ये भरोसा है कि जीत उन्हीं की होनी है? देखिए जो रुझान आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सब जगह, क्योंकि ये अर्बन रूरल में डिवाइड नहीं है कहीं पे भी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सब ज़्यादा कर रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो इसमें तो एक यूनिफॉर्म ट्रेंड होता है और कहीं कहीं होता है जहाँ पे कि आधे वोट शहरी होते हैं आधे ग्रामीण होते हैं, तो शहरी जो रुझान अलग होता है ग्रामीण रुझान अलग होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी प्रारंभिक रुझान है ये कंटिन्यू करेंगे और परिणाम में तब्दील हो जाएंगे, ऐसा जहाँ तक तो मेरा सोचना है। अब देखेंगे आधे घंटे में करीब और बात और स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर दिव्या भी बनी हुई हैं। डॉक्टर दिव्या आप क्या मानती हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हम वीडी शर्मा जी से भी बात कर रहे, तो उन्होंने भी साफ कर दिया कि हाँ काफ़ी चुनौतियां तो बढ़ती हैं, इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और पृथ्वीपुर में किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं, अब बीजेपी आई है, तो विकास का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है, कितना काम कर पाएगी बीजेपी? दिव्या जी लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है दिव्या जी तक, आवाज आ गई लगता नहीं जी। और दिव्या जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर दिव्या हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से पृथ्वीपुर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, नतीजों में तब्दील अगर ये सब होता है तो कितना काम रहेगा पृथ्वीपुर के विकास के लिए? देखिए मैं यही कहना चाह रही थी कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पृथ्वीपुर में बहुत ज्यादा काम करा। वो इससे करा क्योंकि जो काम होना चाहिए था, जो जमीन पे काम होना चाहिए था, वो यदि काम तब्दील नहीं हो पाया है तो वो एक विरोध का स्वर वहां से उठता है, और भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने जितनी वहां पर एक पहुंच कर अपनी बात रखी है, वो बात जनता के बीच तक पहुंची है, उनको समझ में आई है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बात पर लगेगा कि अगर वहां पे एक विधायक था जो काम कर सकता था, जिसने उसके बावजूद वहां काम नहीं करा, जनता तक नहीं वो काम पहुंच पाया, तो कहीं वो गलती उस विधायक की भी होती है, क्योंकि जन नेता वही होता है वहां का। और सरकार की यदि योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या बीच में किसी ने रोड़ा अटकाया था जो वहां तक बात नहीं पहुंच पा रही थी? तो जनता के बीच में यदि भारतीय जनता पार्टी गई है, अपने सारे विकास को लेकर गई है, अपने सारे वादों को लेकर गई है, तो जनता उस पर विश्वास इसलिए जता रही है कि हाँ अब हम तब्दीली चाहते हैं, हाँ हम काम चाहते हैं, हाँ हम विकास चाहते हैं, इसलिए अब उन्होंने बदलाव का एक रुख करा है, बदलाव का एक मन बनाया है, और ये बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि जनता मुझे लगता है कि समझदारी से काम करती है, और अगर उन्होंने ये बात का निर्णय लिया है तो ये स्वागत योग्य निर्णय है, और अब पृथ्वीपुर में जो बदलाव होगा वो बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि अब जिसे कहते हैं मसल पावर नहीं चलेगा, अब वहां पे काम का पावर चलेगा, और वहां पे काम अब आपको बहुत जल्दी परिलक्षित दिखाई देगा। डॉक्टर ब्रिजेश, मानते हैं आप कि कांग्रेस को एक बार फिर से रणनीति में बदलाव की जरूरत है अगर यही ट्रेंड नतीजों में तब्दील हो जाते हैं? देखिए कहा कि अभी ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं है। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, बड़ी विद्वान है वो भी मेरी तरह डॉक्टर है, कम से कम जब व्यक्ति दिवंगत हो जाए उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी ही पार्टी ने, आपकी ही सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश की विधानसभा की लोकसभा समिति का सदस्य बनाया था, लोकलेखा समिति का। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जो नहीं है इस तरह का बातें करना अशोभनीय होता है। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि
अभी रुझान पे ही इतना महीन आपको गुबार होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि आप चुनाव जीत रही हैं। मैंने बहुत से चुनावों में देखा है, एज ए जर्नलिस्ट भी देखा है और एज ए स्पोक्स पर्सन भी देखा है कि रुझान कभी भी परिणाम में नहीं बदलते हैं, परिणाम की फिजा कुछ और होती है, रुझान की कुछ और होती है। इसलिए अभी भी एक दो डेढ़ घंटे इंतजार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी इस पर करनी चाहिए, तभी वो माकूल। जनजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनजीत, क्या वाकई आपको भी ऐसा लग रहा है कि ब्रिजेश जी अभी फिलहाल टिप्पणी करने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि कुछ भी उलटफेर हो सकता है, बदलाव हो सकता है? मुझे ऐसा कोई खास ऐसा नहीं लगता है क्योंकि जिस प्रकार के रुझान हैं वो तो एक कॉमन जो लोगों की एक सोच है इस चुनाव में वो उसका रिफ्लेक्शन है। और इसमें जो सबसे बड़ा मतलब आम आदमी के साथ हम भी लोगों के बीच जैसे जाते हैं गांव में, तो एक तो जो आयुष्मान योजना आई है जिसके कारण कि कार्ड बन गए हैं और मुफ्त में उन लोगों का इलाज होने लगा है, और जो घर के जो सबको पैसा ढाई ढाई लाख रुपए मिला है, एक किस्त आ गई है, एक किस्त बाद में आएगी, तो इससे लोगों के भीतर एक बड़ी भारी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो कांग्रेस के जमाने में वैसा नहीं हुआ करता था। बातें तो हुआ करती थी पर खास कुछ नहीं हुआ करता था, केवल एक किसानी वाला जो मुद्दा था, तो किसानी वाले मुद्दे में इनने डायरेक्ट मनी ट्रांसफर जो किया है किसान कल्याण योजना के तहत, तो उससे थोड़ी राहत तो लोगों को मिली है। परंतु मुझे लगता है कि ये जो रुझान है ये रुझान परिणाम में बदलेंगे और इसमें कोई खास बहुत ही गुणात्मक बदलाव आ जाएगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल जन जी, आप ये भी मानते हैं सर कि कहीं ना कहीं विकल्प अब कम होता हुआ दिख रहा है बीजेपी के सामने और यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि हम किस तरफ डाइवर्ट करें, किसे चुने, और अगर कंपैरिजन करते हैं तो बीजेपी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है जिसके चलते ये झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, यही बात है। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि जो ये ट्रेंड है वो नतीजों में भी तब्दील हो सकते हैं। और जैन जी, हम आपसे ये सवाल भी करना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है अगर यही नतीजे बनते हैं तो क्या कुछ खामी रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में बदलाव करना बेहद ज़रूरी हो जाएगा, इसके साथ साथ नेतृत्व में भी कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ ऐसी बातें रहेंगी जिन पर एक बार फिर से गौर करना होगा कांग्रेस को? देखिए, आज की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां में छोटा मोटा बदलाव नहीं चाहिए, बड़ा क्रांतिकारी बदलाव चाहिए और उसके लिए बहुत ही क्रांतिकारी सोच के साथ लोगों के बीच जाना चाहिए। तो वो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं और एकदम बदलाव की जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं पूरी करने के लायक जो कांग्रेस का आज का ढांचा है वो मुझे नहीं लगता, ना ही केंद्र में ऐसा कुछ है और ना ही राज्य में है। केंद्र में भी आखिर कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं जो अपने खुद के नेतृत्व से बड़े नाराज हैं और उनको लग रहा है कि भाई अब ये डूबती नैया है। राज्य में भी यही है कि वही वो पुराने दो तीन चेहरे हैं और कोई नई बात तो दे नहीं रहे हैं वो लोग। तो कांग्रेस के प्रति लोगों में कोई खास आशा नहीं दिखती है और नाराजगी के बावजूद भी उनके साथ और कोई विकल्प नहीं होने के कारण वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं वोट। और भारतीय जनता पार्टी में यह है कि सुनवाई तो हो रही है, मतलब यह है कि तत्काल ये जो नौकरशाही पे यदि नियंत्रण कर लें, नीचे के स्तर पे जो तंत्र है सरकार के उसको थोड़ा सा ठिकाने लगा दें या ठीक कर दें, तो मुझे लगता है आम आदमी की सुनवाई होने लगेगी और लोगों की सुनवाई होने लगे तो लोगों में फिर एक आशा बनती है कि ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। तो बहुत सारे कार्यक्रम तो मुख्य
मुख्यमंत्री ने चला के रखे हैं, बोलते भी हैं, कार्यक्रम अच्छे हैं, परंतु जमीनी स्तर पे उसको जो नियंत्रण होना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो नियंत्रण होना चाहिए, पार्टी का जो नियंत्रण होना चाहिए, वैसा नहीं है। तो उस तरफ थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को अपना मामला ठीक करना पड़ेगा। और कांग्रेस को तो अभी मुझे लगता है अपना खुद का खुद इंट्रोस्पेक्शन जो कहते हैं, जिसमें कि अपनी खुद का यानी एक समीक्षा जरूर होनी चाहिए कांग्रेस की तरफ से भी, और बीजेपी को भी अपने ऊपर एक बार फिर से और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकास का काम करना है, लोगों के बीच पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।